गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द टेटम केमिस्ट्री क्लासेस सो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है uh, एस यूर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म स्किल्स मतलब इस इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म में जितना भी क्वेश्चंस आपके चाहे जे में हो नीट में हो या सी नेट में हो आपके टू मार्कर क्वेश्चन स्पेशली अभी तो मैं इन्हीं को कर रहा हूँ कैसे अप्रोच करना है कैसे क्वेश्चन समझना है कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ें आपने समझनी चाहिए और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे हाँ हाँ लेकिन जो आ, सीखना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके लिए बहुत बढ़िया है अच्छा आप ये सोचेंगे कि आज का ये लेक्चर हिंदी में क्यों डिलीवर किया जा रहा है देखिए पिछले कुछ समय से मैं ये रिक्वेस्ट काफ़ी रिसीव कर रहा हूँ कि हिंदी में ही लेक्चर बनाइए तो ये मोड स्विच कर रहा हूँ कि अब ये हिंदी में ही तो रहेंगे पुराने जो हैं वो इंग्लिश में हैं वो तो ठीक है लेकिन अब ये हिंदी में रहने वाले हैं आगे के लेक्चर तो अगर आप मेरे पिछले लेक्चर को जिस दिनों ने देखा है अगर वो ध्यान दें पिछला लेक्चर जो मेरा था उसमें मैंने इसी मैं आपका एक इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस का एग्जाम्पल बताया था ये मेरी प्रॉब्लम है नहीं अगर आपने देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ वहाँ से देख लीजिए तो आज की जो मेरी क्वेश्चन होने वाला है प्रॉब्लम होने वाली है वो ये है जो एक प्रॉब्लम नीचे आपको दे रखी है एक आपकी डाइन सिस्टम दिया हुआ है फिर एक एसिड दिया है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड है अगर आप इसको ध्यान देखें और हीट यहाँ पे कर रखा है और साथ ही साथ इसमें प्रोडक्ट ए बनेगा इस प्रोडक्ट ए को फिर वापस हम डोवीन से और सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तो बी बनेगा आपने ये आइडेंटिफाई करना है क्यों ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इन्वॉल्व कंसेप्ट ऑफ द साइक्लो एडिशन रिएक्शन राइट और एडिशन रिएक्शन भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा साथ ही साथ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को भी हम इसमें देखेंगे किस तरीके से हो सकता है और मैं एकदम ऐसी अप्रोच आपको बताऊंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स जो है समझने में और इनको कैसे अप्रोच करना है इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो राइट सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम दाओ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर कि इसमें मैं आज बताने वाला क्या हुआ आपको तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डायरेज सिस्टम है और एक ये आपकी मोनोइन है और ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है राइट तो ये आपकी बेसिकली आप देखेंगे साइक्लो एडिशन टाइप का रिएक्शन ये है और थर्मल कंडीशन में होता है हालांकि क्योंकि इसमें इतनी स्टीरियो केमिस्ट्री अभी इन्वॉल्व नहीं है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैसे अप्रोच करना है, है और जेई के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है सी नेट में तो थोड़ा एडवांस हो जाएंगे लेकिन सी नेट के अलावा बाकी सब जगह इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको अप्रोच करने का सबसे बढ़िया देखिए टू प्लस फोर साइक्लो एडिशन रिएक्शन है कौन सा है टू प्लस फोर साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्योंकि टू यहां पे देखिए आपके एक एक डबल बॉड ये है दैट मीन दो इलेक्ट्रॉन ये है और दो डबल बॉड यहां पर है तो चार इलेक्ट्रॉन यहां पे अवेलेबल है तो ये बेसिकली फोर प्लस टू इसको कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा टू प्लस फोर में कहें चार यहां पर इलेक्ट्रॉन है दो यहाँ पे फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन है और साइक्लो एडिशन रिएक्शन पेरी साइक्लिक रिएक्शन का पार्ट होता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए एक में कर देता हूं। से इसको मैं कार्बन नंबर वन सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं राइट से ये कार्बन नंबर वन है और ये कार्बन नंबर टू है और इसके बाद इसको मैं कार्बन नंबर थ्री बोल देता हूँ ये कार्बन फोर कार्बन फाइव और कार्बन सिक्स मान लीजिए ये सिस्टम है ना तो टोटल आप देखेंगे तो एक कार्बन इधर है दूसरा कार्बन दो कार्बन ये है चार ये है और इनमें में एडिशन रिएक्शन होता है।, है तो सिक्स का कोर्स क्या होता है इसको समझिए तो इसके लिए यहां से ये वाले डबल बॉन्ड को सीधे सीधे अटैक करवाता हूँ कार्बन नंबर थ्री पे क्योंकि एडिशन यहां पर होना है अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन में इले, इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके दोबारा से रीऑर्गेनाइज भी होते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन फोर और फाइव के बीच में और कार्बन से फाइव और सिक्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके अटैक करेगा कार्बन नंबर वन पे अगर आप इसको इस हिसाब से देखेंगे तो अब आप, आप देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है वो थ्री से जुड़ जाएगा और जो सिक्स वाला कार्बन है वो वन से ऐड हो जाएगा और आपको एक आपका प्रोडक्ट मिलेगा तो वो प्रोडक्ट क्या होगा उस प्रोडक्ट को देखेंगे आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा तो बेसिकली सिक्स मेम्बर रिंग आपने इसके लिए फॉर्म कर दिया इसको बनाने का मैं एक नया तरीका आपको यहाँ पे बताता हूँ तो वो सिक्स मेंबर ड्रिंक कुछ इस तरीके से मैंने प्रोड्यूस करी करिए तो आप भी इसको ऐसे ही प्रोड्यूस कर ले और अभी समझते हैं कि किस तरीके से ये चलने वाला है राइट तो सिक्स मेंबर ड्रिंक आपने ये प्रोड्यूस कर दी। अब इसमें आप नंबरिंग चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं ठीक है थीके? अब नंबरिंग फिर यहां से आप देखिए ये वाला कार्बन नंबर वन था ये कार्बन नंबर टू था ठीक तो आप इसको ऐसे ही कर लीजिए दिस इज कार्बन नंबर वन दिस इज कार्बन नंबर टू अब आप देखेंगे कि ये दो जो है आपका थ्री से करेक्ट हो रहा है तो दैट मीन ये वाला थ्री होने वाला है ठीक है तो आप इसको फिर थ्री कर दीजिए और फिर ये फोर हो जाएगा ये वाला फाइव ये वाला सिक्स तो ये सिक्स मेम्बर रिंग आपने यहाँ पे प्रोड्यूस कर ली है और ये इलेक्ट्रॉन रिलोगेनाइज हुआ था यहां पे और री ऑर्गेनाइज हो फोर और फाइव के बीच में अब डबल बॉन्ड आया था नाउ यू कैन सिंपली पुट यूर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर फोर एंड कार्बन नंबर फाइव राइट ये आपने कर लिया अब आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि कार्बन नंबर वन से ये एसिड पार्ट भी जुड़ा हुआ है तो आप इस कार्बन नंबर वन से एसिड पार्ट बहुत इजीली जोड़ दीजिए तो दिस इज कार्बन डबल बॉड ऑक्सीजन इसको ऐसे कर लेते हैं और ये वाला आपका हाइड्रो ग्रुप मैंने यहां लगा दिया इतनी चीज कम्पलीट हो जाती है और आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि कार्बन नंबर थ्री पे एक सब्सिट्यूशन ऑलरेडी पहले इथाइल का है तो आप यहाँ पे इथाइल का सब्सटीट्यूशन कार्बन नंबर थ्री पे भी कर लीजिए जिसको मैं ऐसे कर फिर आप देखेंगे कार्बन नंबर अब ये तो थ्री और सिक्स जो है ये तो वन और टू से कनेक्ट हो गए लेकिन थ्री और सिक्स के बीच में एक ये ब्रिज निकल रहा है थ्री और सिक्स के बीच में एक आपका ब्रिज निकल रहा है तो ये थ्री और सिक्स के बीच में आपने ब्रिज निकाल दिया है तो देखिए ये कार्बन सिक्स है ये कार्बन थ्री है इसके बीच में भी ब्रिज निकाल दें तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आता है तो ये है टू फोर प्लस टू साइक्नो एडिशन रिएक्शन का ये प्रोडक्ट तो ये जो प्रोडक्ट ए जो होने वाला है बेसिकली ये वाला पार्ट जो है ये ये वाला आपने बना दिया है तो आई एम राइटिंग दिस एस ए तो ए तो आपने कर दिया आधा कुछ शराब का कंप्लीट हो गया ठीक है अब इसके बाद आप यह देख सकते हैं कि ब्रोमीन दिया हुआ है और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं कि ब्रोमीन से रिएक्शन सपोज करवाते हैं तो ब्रोमीन अगर रिएक्शन करेगा तो कहाँ पे करेगा देखिए एक तो ये कार्बोदिल ग्रुप है डबल बॉर्ड है और यहां पर आप देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड ये भी है तो इसमें आपका कीमोसेलेक्टिविटी यहां पे मैंने लिखा नहीं है तो कीमो सेलेक्टिविटी का कंसेप्ट भी आ रहा है कि केमिकली ब्रोमिन कहाँ पे अटैक करे नाउ इट इज वेरी क्लियर क्योंकि देखिए कार्बोन ग्रुप है इसके लिए तो आपको न्यूक्लियो चाहिए ठीक है अब अगर न्यूक्लियो नहीं है यहां पर आपका न्यूक्लियो नहीं है क्योंकि ब्रोमिन तो सीधे मॉलिक्यूल दे रखा है तो जो भी रिएक्शन होगा इस कार्बोन पे तो नहीं होगा वो बेसिकली इस एल्कीन पे होगा और आपको मालूम है कि ब्रोबीन बहुत आसानी से डबल बॉन्ड सिस्टम पे ऐड हो जाती है तो कैसे मैं इस रिएक्शन को कर सकता हूँ सो आई एम राइटिंग दिस ब्रोबीन लाइक दैट ये मान लीजिए ये ब्रोमिन है ये फिर मेरा दूसरा ब्रोमिन मैंने इस तरीके से लिख लिया है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस पर अटैक करेगा क्योंकि तो पॉजिटिव रिचार्ज ब्रोमीन इसको चाहिए और ये बॉन्ड टूट के इस ब्रोमिन पे आपका शिफ्ट हो जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से देखिए बी आर नेगेटिव को अब यहाँ से बाहर निकाल देते हैं बी आर नेगेटिव वो बी आर नेगेटिव ये वाला निकला है और ये आपका जो यहाँ से आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है इस ब्रोबीन पे जुड़ जाएगा खुद तो वापस से आप आ, इसी प्रोडक्ट को फिर बना सकते हैं थोड़ा जल्दी करेंगे इस तरीके से आपने बनाया ये ब्रिज ऑलरेडी था राइट और ये था सब्सटीट्यूशन था और यहाँ पर आपका ये जो है एसिड पार्ट भी जुड़ा हुआ था अब ब्रोमीन ने इससे रिएक्शन कर दी है तो आपकी ब्रोमिन तो क्योंकि ब्लू से दिखाई दी तो मैं यहाँ पे अगेन आई एम शोइंग इट और ये फिर इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव रिचार्ज तो क्योंकि ब्रोबिन एज अ पॉजिटिव रिचार्ज पे यहाँ पे आया हुआ है भैया तो आपका नेगेटिव दिखाई नहीं तो ये आपका एक तरीके तो साइक्लिक यहाँ पे आपका ब्रोबीन वायर टाइप का बना हुआ ये आपने समझना पड़ेगा क्लियर है इसके बाद देखिए ब्रोमीन का काम खत्म अब आपके पास बचा सोडियम बाई कार्बोनेट सो नाउ वट वी कैन डू विद विदियम बाई कार्बोनेट इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां से मैं रिएक्शन कराता हूं सोडियम बाई कार्बोनेट एन ए एच सी ओ थ्री ओके तो आप देखेंगे ये बाई कार्बोनेट आयन यहां पर है और ये वाला आपका जो है सोडियम आयन है और आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि सोडियम होता है पॉजिटिव और बाई कार्बोनेट आयन है नेगेटिवली नीचा राइट और इस ओवेच OH ग्रुप में भी अगर आप देखेंगे पोलरिटी अगर प्रोड्यूस होती है तो हाइड्रोजन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है राइट right? बट इतना पॉजिटिव नहीं होता सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर इसके ऊपर रहता है बट ये सोडियम यहाँ पे आपके देखिए काफी पॉजिटिव है तो अगली रिएक्शन यहाँ से क्या कर सकता है बहुत आसानी से आगे की रिएक्शन अब इसमें बना सकते राइट right? वो रिएक्शन क्या होगी कि ये सोडियम यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा देगा तो मैं दोबारा इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ आप लोग इसका स्क्रीन शॉट दे लीजिए या नोट्स बना रहे हैं तो वहीं से कर लीजिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं एच को और इसके बदले में यहां पर सोडियम दे देता हूं राइट एन ए तो नाउ इट इज वेरी क्लियर ठीक है ये सोडियम पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ब्रोमिनियम इधर है आपका अब यहाँ ये यह वाला जो स्टेप अब ये आपका बच जाएगा इसके बाद सोडियम इसके बाद अब यहाँ से आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इसमें होना है जिसको एनजीपी बोलते हैं मतलब ऐसे रिएक्शन होने वाला है ऐसे रिएक्शन होने वाला है और यहां से ये आपका किस तरीके से चलेगा देखिए ये ये नेगेटिवली चार्ज है ये वाला तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन अटैक करेगी इसका ओके ये वाला बॉड टूटेगा और ब्रोबिन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा और यहां से बोर्ड बनेगा इस कार्बन नंबर फाइव के बीच में ये देखिए कार्बन नंबर फाइव था और इस ऑक्सीजन के बीच में अब देखिए ओरिएंटेशन जो है इस ब्रोबिन का थोड़ा ऊपर चला जाएगा नीचे को तो आप जगह रह नहीं सकती क्योंकि यहाँ आप पर आपका एक सैक्यू बन जाएगा तो ये इसको ऊपर पुश कर देगा और जब ये इसको ऊपर पुश करेगा यही आपका ग्रुप पार्टिसिपेशन है तो चलिए आपके लिए यहाँ लिख भी देता हूँ मैं इसको एन जी पी तो अब जब मैं वापस प्रोडक्ट बनाता हूँ तो क्या बनेगा देखिए इसको मैंने ये दिया और इसको इधर ऐसे कर दिया इसको इधर जुड़ दिया राइट और यहाँ पे आपका ये रूट थाई था अब ये जो ऑक्सीजन यहां पर थी ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो गई इस कार्बन से इस तरीके से और ऊपर की तरफ पुश कर दिया गया इस बी आर तो ये ऊपर की तरफ है अगर आप स्टीज के दिखा सकते हैं तो इसको अब द प्लेन दिखाने के लिए आप इस तरीके से सॉलिड लाइक भी कर सकते हैं इसे तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा अगेन आप देखिए इसमें क्या है इस साइक्लिक एस्टर बन रहे हैं तो साइक्लिक एस्टर बनने का मतलब है ये भी एक तरीके का नेक्ट्रॉन तो इससे पहले भी इलेक्ट्रॉन हमने बताया था और यहाँ पर भी हमने लेक्टोन बना दिया लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट इसमें इंक्लूड करे साइक्लो एडिशन रिएक्शन करा फिर ब्रोमिनेशन हमने कैसे क्यूबोसल एक्टिविटी हो रही है वो किया राइट और फिर यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन भी मैंने आपको दिखाया सोडियम को इधर ज्वाइन कराया मैंने और फिर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू ये साइक्लिक लेक्टोन बनाया तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है अगर ये प्रैक्टिस आप लगातार करते रहते हैं कहीं से भी प्रॉब्लम उठा सकते हैं ऐसा नहीं कि आप देखिए ये तो आपने सीख ली किसी भी टेक्स्ट बुक से उठा लीजिए या किसी मैगजीन्स वगैरह से उठा लीजिए या इंटरनेट से उठा लीजिए और उसको करने की आप कोशिश करिए ठीक है तो आई होप कि ये लेक्चर जो कि मैंने हिंदी में बनाया है ये ज़्यादा आपके शायद समझ में आ रहा है ठीक है या इसकी रीच ज़्यादा है कहेगी क्योंकि हिंदी वाले ज़्यादा है समझने वाले हमारे देश में ठीक है तो अगर ये आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल टेटराटम केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और मैं आपको अपने किसी ऐसे ही अच्छे लेक्चर में आगे मिलता हूं जो कि आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट को काफी स्टॉप कर देगा ठीक है दोस्तों तो लिए चलते बाय बाय टेक केयर